सावन के सातवें सोमवार में जटाशंकर धाम में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों के साथ भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रावण मास के सातवें सोमवार को जटाशंकर धाम में एक बार फिर भक्तों की भारी भीड़ रही। सोमवार को नागपंचमी का विशेष संयोग होने के चलते भी भीड़ रही। इस दौरान मंदिर में ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, बम बम भोले के स्वर गूंजे। लोक न्यास जटाशंकर धाम अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने बताया कि इन दिनों जटाशंकर धाम में आसपास के जिलों सहित देश के विभिन्न प्रांतों से बहुत बड़ी तादाद में भक्तगण आ रहे हैं। भक्तों को दर्शन करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए अतिरिक्त वॉलेंटियर लगाकर विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। अरविंद अग्रवाल ने बताया कि जटाशंकर धाम में इन दिनों विभिन्न स्थानों पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन, भंडारे आदि बड़ी तादाद में चल रहे हैं। आपको बता दें, बारिश के कारण मंदिर की सीढ़ियों से जलधारा बहने लगी, साथ ही कई जगह से एक साथ झरने चालू हो गए। इस दौरान न्यास की ओर से श्रद्धालुओं से सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय सावधानी बरतने की अपील की गई। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।